हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द डिलीवरी मैन। ये एक इनोसेंट बॉय और गोस की लव स्टोरी है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं। ये हमारे ड्रामे का मेन लीड है। इसका नाम योंगमिन है और ये एक टैक्सी ड्राइवर है। एक दिन जब वो अपने एक पैसेंजर को उसके घर छोड़ने गया था, तब वो देखता है कि एक आदमी उस पैसेंजर के घर से सामान बाहर निकाल रहा होता है। वो आदमी चोर होता है। तभी वो चोर उन्हें देख लेता है, जिससे वो वहाँ से कार में भाग रहा होता है। तब योंगमिन का पैसेंजर उसे उसका पीछा करने कहता है, लेकिन योंगमिन इसके लिए मना करता है। तब वो पैसेंजर योंगमिन से कहता है, अगर तुम मुझे उस चोर को पकड़ने के लिए हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। लेकिन तब भी योंगमिन मना कर रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद योंगमिन हेल्प करने के लिए मान जाता है। उसके बाद योंगमिन उस चोर का पीछा करता है अपने टैक्सी में और वो लोग उस चोर को पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ योंगमिन घर में होता है। वो अपनी दादी के साथ रहता है। वहीं योंगमिन खाना बना रहा होता है। खाना बनाने के बाद वो अपनी दादी से कहता है, पहले अब खाना खा लेना, उसके बाद मेडिसिन भी खा लेना। और वो बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर अपनी टैक्सी को सफ़ा करता है। सफ़ा करते समय उसे अपनी टैक्सी में एक मोबाइल मिलता है। तो वो सोचता है ये किसका मोबाइल है और वो चेक करने के लिए उस मोबाइल को ऑन करने लगता है। लेकिन ऑन करते समय उसे करंट लगता है उस मोबाइल से। और तभी अचानक से योंगमिन की टैक्सी में एक लड़की आ जाती है। तभी योंगमिन के पास एक आदमी आता है और वो योंगमिन से कहता है, तुम्हारे ऊपर बहुत लोन है और तुम्हारा घर बहुत जल्दी नीलाम होने वाला है, इसलिए तुम जितने जल्दी हो सके लोन के पैसे दे देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं योंगमिन टैक्सी चला रहा होता है, साथ ही वो लोन के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी उसकी टैक्सी को कुछ लड़कियाँ रोकती है। देखने में ये लड़कियाँ भूत लगती है। योंगमिन उन्हें देखकर डर जाता है। तब वो लड़कियाँ कहती है, हम लोग एक्ट्रेस हैं, भूत नहीं। उसके बाद वो लड़कियाँ उसकी टैक्सी में बैठ जाती हैं। उसके बाद योंगमिन उन्हें शूटिंग के लोकेशन में छोड़ देता है। उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद योंगमिन देखता है उसके गाड़ी में एक लड़की बैठी होती है, जिसे देखकर वो उस लड़की से कहता है, आपके फ्रेंड्स पहले ही उतर गए हैं, क्या आपको नहीं जाना है? तब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लड़की डोर को बिना खोलकर टैक्सी के आरपार होकर चली जाती है। उसके बाद योंगमिन जाने लगता है। तब वो लड़की योंगमिन के गाड़ी के आगे आ जाती है और वो अपने सिर को पीछे करती है, साथ ही वो कूद के योंगमिन के गाड़ी के ऊपर आ जाती है। ये देखकर योंगमिन डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ योंगमिन को होश आता है। तब वो लड़की योंगमिन के साइड वाले सीट में बैठी होती है। इस लड़की का नाम कांग जी हुंग है। ये देखकर योंगमिन चिल्लाकर वहाँ से भागता है। जी ह्योंग भी योंगमिन के पीछे भागती है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है। वहीं योंगमिन छुप जाता है और वो देखता है कि जी ह्योंग कहाँ गई। वहीं एक ट्रैफिक मैन योंगमिन की टैक्सी के पास जा रहा होता है। तब योंगमिन दौड़कर जाकर कहता है, ये मेरी टैक्सी है। वहीं योंगमिन ट्रैफिक मैन से कहता है, क्या मेरी टैक्सी में कोई है, क्या आप चेक कर सकते हो? तब वो चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। तब योंगमिन गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तभी जे योंग फिर से गाड़ी में आ जाती है, जिससे योंगमिन चिल्ला रहा होता है। तब जे योंग उसे शांत होने को कहती है। वहीं योंगमिन उसे पूछता है, तुम मेरी टैक्सी में क्या कर रही हो? तब जे योंग कहती है, मुझे नहीं पता है। और वो कहती है, मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। और वो योंगमिन से पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानते हो? यहाँ हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी एक फ़ोटो को देख रहा होता है और ये फोटो जे हुंग का ही होता है। वो मर चुकी होती है। ये आदमी जे हुंग का डैड होता है। वहीं तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि जे हुंग के डैड की इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस करेगी। तभी वो एक सीन को याद करते हैं, जहां जे हुंग हॉस्पिटल में होती है। तभी वो जे हुंग के पास जाते हैं, जहां वो देखते हैं जे हुंग की सांस नहीं चल रही होती है। ये देखकर वो दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाते हैं। उसके बाद हम जे हुंग और
और योंगमिन को देखते हैं। वहीं जेहोंग योंगमिन से पूछती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तब योंगमिन कहता है, मुझे क्या पता। वहीं जेहोंग उसे बताती है कि जब तुम बेहोश हो गए थे तब मैंने तुम्हारी टैक्सी के अंदर देखा था जहाँ खून लगा होता है, और वो कहती है शायद तुमने मेरा एक्सीडेंट किया है। तब योंगमिन कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा। तब जेहोंग कहती है, वो खून कहाँ से आया था? तब योंगमिन अपनी टैक्सी का कैमरा में देखता है जहाँ जो लड़की आई थी भूत बनके, उनसे खून गिर गया होता है टैक्सी में गलती से। ये देखकर जेहोंग उसे माफ़ी मांगती है। वही योंगमिन उसे उसके टैक्सी से बाहर जाने कहता है। तब जेहोंग कहती है, मैं नहीं जा सकती हूँ। तब योंगमिन पूछता है, क्यों? तब जेहोंग उसे कहती है, मैं दिखाती हूँ क्यों। उसके बाद वो दोनों टैक्सी के बाहर आते हैं। वही जेहोंग टैक्सी से दूर जाने लगती है। तभी जेहोंग खींचते हुए टैक्सी के अंदर चली जाती है और वो योंगमिन से कहती है, मैं इसलिए टैक्सी से दूर नहीं जा सकती हूँ। तब योंगमिन जेहोंग को अपनी टैक्सी में बैठा लेता है। उसके बाद योंगमिन के टैक्सी में एक पैसेंजर आता है और वो बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उस पैसेंजर की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो पैसेंजर टैक्सी रुका कर टैक्सी से उतर जाता है। तब योंगमिन उसे पूछता है, आपको क्या हुआ? तब वो पैसेंजर कहता है, हमेशा तुम्हारे टैक्सी में मैं जाता हूँ, लेकिन आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन आज मेरी हालत ख़राब हो रही है तुम्हारे टैक्सी में। तब योंगमिन को लगता है ये सब जेहोंग के होने की वजह से हुआ है। उसके बाद वो पैसेंजर किसी और टैक्सी में चला जाता है। उसके बाद योंगमिन और जेहोंग जा रहे होते हैं। तब जेहोंग योंगमिन से कहती है, प्लीज़ तुम मेरे बारे में पता लगा कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। तब योंगमिन कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहीं योंगमिन पुलिस को जेहोंग का स्केच दिखाते हुए पूछता है, क्या आपके पास इस लड़की की कोई केस आई थी जिसकी हाल ही में डेथ हुई है? तो पुलिस कहता है, हमारे रिकॉर्ड पे इस लड़की के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद वो दोनों योंगमिन के घर जाते हैं, जहाँ योंगमिन टैक्सी को पार्क करने के बाद जेहोंग से कहता है, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। तब जेहोंग कहती है, तुम्हारे अंदर दया नाम की शीश नहीं है। तब योंगमिन कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी टैक्सी में कोई पैसेंजर नहीं बैठ रहा है और मेरा घर भी बहुत जल्दी बिकने वाला है। इतना सब मेरे साथ हो रहा है, उसके बाद भी मैं कैसे कोई दया दिखा सकता हूँ? उसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है। वहीं उसकी दादी उसके लिए वेट कर रही होती है। तब योंगमिन उन्हें सोने कहता है, साथ ही वो खुद भी सो जाता है। वहीं वो सपना देखता है जहाँ सोते हुए उसके फेस में खून गिरने लगता है, और जब वो अपनी आँखें खोलता है तब उसके ऊपर एक भूत दिखाई देती है जिससे वो डर के छिनाने लगता है। वहीं उसकी दादी उसके पास आती है और उससे कहती है, क्या तुमने कोई डरावना सपना देखा? तब योंगमिन हाँ कहता है। वहीं उसकी दादी कहती है, तुम अभी तक क्यों सो रहे हो? और वो कहती है, मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं तुम्हारे टैक्सी में जाऊंगी। उसके बाद योंगमिन अपने दादी को अपने साथ लेकर आता है। वहीं जेहोंग योंगमिन के कार में वेट कर रही होती है। वहीं योंगमिन अपनी दादी को पीछे वाली सीट में बैठा देता है। वहीं वो लोग जाते हैं। पहले तो उसकी दादी को कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी दादी को कुछ होने लगता है। उसके बाद वो लोग टेम्पल के बाहर पहुंच जाते हैं जहां उसकी दादी आई थी। वहीं योंगमिन और जेहोंग बाहर होते हैं। तब वहां पर कुछ औरतें आती है। तब योंगमिन उन्हें अपने टैक्सी के ऊपर पूजा करने कहता है, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता है। लेकिन जब वो औरतें कुछ कहती हैं तब जेहोंग को हर्ट होता है, जिससे योंगमिन ये सब रोक देता है। तभी योंगमिन को एक डॉक्टर का कॉल आता है। नेक्स्ट सीन में हम योंगमिन को डॉक्टर के साथ देखते हैं। इस डॉक्टर का नाम क्योजिंग है। वहीं क्योजिंग योंगमिन की टैक्सी में बैठा होता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता है। तब जेहोंग कहती है, देखा इसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्योजिंग हॉस्पिटल जाता है जहां एम्बुलेंस से एक लड़की को बाहर लाया जा रहा होता है। ये देखकर योंगमिन एक फ्लैशबैक को याद करता है जहां उसकी मॉम की एक्सीडेंट हो गई थी। तब क्योजिंग उन्हें बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहां योंगमिन क्योजिंग को कुछ दे रहा होता है। तब क्योजिंग इसके लिए मना करता है। तब योंगमिन कहता है, मैं तुम्हारा एहसान को कभी नहीं भूल सकता हूँ। वहीं जेहोंग उन्हें देख रही होती है।
है, लेकिन तभी जेहोंग को फिर से टैक्सी खींच लेती है। उसके बाद हम देखते हैं योंगमिन घर के अंदर चला जाता है। वहीं जेहोंग बाहर ही होती है और वो एक चेयर को देख रही होती है और वो कहती है इस चेयर को बहुत अच्छे से बनाया है। उस चेयर में 3 नाम लिखे होते हैं, योंजा, जिनशुक और योंगमिन। वहीं योंगमिन घर के अंदर लैपटॉप में सर्च कर रहा होता है कि वो भूत से छुटकारा कैसे पाए। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ योंगमिन और जेहोंग टैक्सी में जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एक पैसेंजर मिलता है लेकिन वो अंदर नहीं आता है। तब योंगमिन पूछता है क्या तुम इस टैक्सी में नहीं बैठोगे? तब वो आदमी कहता है क्या मैं बैठ सकता हूँ? तब योंगमिन हाँ कहता है। तब वो आदमी भी टैक्सी के आर पार होकर आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी भी भूत है। उसके बाद हम उन तीनों को देखते हैं जहाँ योंगमिन उस आदमी से पूछता है क्या भूत लोग का दरवाज़ा खुल गया है, क्या और भी भूत आने वाले हैं? लेकिन यहाँ उस आदमी और जेहोंग के बीच में झगड़ा होने लगता है जहाँ जेहोंग कहती है मैं योंगमिन से पहले मिली थी इसलिए मैं उससे पहले बात करूँगी। उसके बाद योंगमिन इन दोनों को अपने टैक्सी में बैठा लेता है। तभी उसे एक पैसेंजर मिलता है। जब वो पैसेंजर बैठने के लिए डोर ओपन करता है तब उसके सर में दर्द होने लगता है जिससे वो पैसेंजर योंगमिन की टैक्सी में नहीं बैठता है। उसके बाद योंगमिन सोच रहा होता है कि वो इस टैक्सी को बेच देगा। उसके बाद वो टैक्सी को बेचने जाता है जहाँ जेहोंग उसे रिक्वेस्ट करती है टैक्सी को मत बेचो, अगर तुम बेच दोगे तो मेरी हेल्प कौन करेगा? तब योंगमिन कहता है वो तुम खुद जानो और इसके बारे में तुम खुद ही ढूंढो और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक और आदमी आता है और वो आदमी जेहोंग को देख पाता है और वो उससे बात करता है। तब जेहोंग पूछती है क्या तुम मुझे देख सकते हो? तब वो आदमी भी गाड़ी के आर पार होकर दिखाता है, ये आदमी भी भूत होता है। तब वो आदमी अपने मरने की कहानी बताता है, मैं घर जा रहा होता हूँ तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी बेटी भी हॉस्पिटल में है लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी गाड़ी में सोना है। तब जेहोंग योंगमिन को चिल्लाकर बुलाती है इस आदमी की गाड़ी में सोना है, प्लीज़ हेल्प करो। तब योंगमिन आकर गाड़ी में चेक करता है जहाँ उसे सोना मिलता है और योंगमिन वहाँ से भाग जाता है। तब जेहोंग को लगता है वो सोना लेकर भाग रहा है लेकिन योंगमिन हॉस्पिटल में जाकर उस आदमी की बेटी को सोना दे देता है। वहीं उस लड़की का डैड उसके पास खड़ा होता है और वो ये देखकर खुश होता है और वो आदमी जेहोंग को थैंक यू कहकर वहाँ से गायब होता है क्योंकि उसका अधूरा काम पूरा हो गया था। उसके बाद वो बच्ची योंगमिन के पास आती है और वो योंगमिन को एक सोने का टुकड़ा देती है। उसके बाद हम योंगमिन, जेहोंग और उस भूत को देखते हैं, वो तीनों टैक्सी में बैठे होते हैं। वहीं जेहोंग योंगमिन से कहती है टैक्सी में लोग पैसेंजर सामान लेकर जाते हैं लेकिन तुम एक काम करो, तुम भूतों की डिलीवरी करो, तुम्हारी मैनेजर मैं बनूंगी और तुमने देखा ना तुम्हारी हेल्प करने पर भूत ने तुम्हें पैसे दिए और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। उसके बाद जेहोंग उसे पूछती है तुम्हारे ऊपर कितना लोन है? तब योंगमिन कहता है 20 मिलियन वॉन। तब पीछे बैठा हुआ भूत योंगमिन से कहता है मैं तुम्हें पैसा दे सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तब योंगमिन को जेहोंग का आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो कहता है आज से मेरी टैक्सी से भूतों की प्राइवेट टैक्सी होगी। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड होता है और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।